शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमता और बख्शिशां करने वाला है। अज सानू सारिया नू इस सत्संग दा आनंद लैण वास्ते ये मौका मिलिया है डंगोली दरबार दे विच। सो सब तो पहला तुसी सारे जी इस दरबार च पहुँचे हो, असी दिलों ये दरबार च तुहाडा स्वागत करते हैं। और आओ जिदा अज दस्सिया कि अज थोड़ा समा है और ये थोड़े समय च असी बहुत कुछ समझ के जाना है, पर उहदे वास्ते तुहाडी तैयारी जरूरी है, क्योंकि जदों थोड़े वक्त दे विच बहुता लैना होवे ना तो फिर देण वाले दा घट लैण वाले दा ज़्यादा योगदान हुंदा है कि मैं थोड़े समय च की कुछ हासिल कर सकदा। इसलिए अज ऐसी दो चार चीज़ां समझनिया है जो साडे जीवन वास्ते बहुत जरूरी है। कि सब तो पहली चीज़ कि अगर असी वह रहमत की मंजिल नूं पाना चाहते हैं, क्योंकि जदों रहमत की मंजिल की गल आती है ना तो रहमत दे नाल ही खुशियां भी जुड़िया है, तंदुरुस्ती भी जुड़ी है, कामयाबी भी जुड़ी है। क्योंकि अगर इंसान एक दूसरे नूं पुछे कि भाई रहमत विच की आ जाता है तो फिर तुहाडा की जवाब होएगा, की जवाब होएगा कि रहमत विच की आ जाता है तो फिर बंदा कहिंदा रहमत विच सब कुछ ही आ जाता है, क्योंकि उहदी रहमत नाल ही तां सारा संसार बनिया है। उहदी रहमत यानी उहदी कृपा, उहदी बख्शिश, उहदी यानी वह परमात्मा, वह भगवान, वह प्रभु, वह वाहेगुरु, वह अल्लाह, नाम उहनूं कोई भी दे लईए पर यह हर चीज़ बनी है उहदी कृपा दे नाल, उहदी रहमत दे नाल। इसलिए जदों रहमत की गल आती ना तो रहमत नाल सब कुछ जुड़िया है। उहदे नाल तुसीं अपनियां खुशियां नूं भी जोड़ सकते हो कि मेरी हर खुशी भी उहदी रहमत दे अंदर है। अपनी अच्छी सेहत नूं भी जोड़ सकते हो कि अगर मैनूं अच्छी सेहत चाहीदी है तो यह भी उहदी जवाब दे दिओ, रहमत अंदर है। अगर मैनूं किसी भी फील्ड में यानी किसी भी जगह कामयाबी चाहीदी है ता ही तो चाहे होवे युद्ध का मैदान, तो चाहे होवे कोई दुनियावी मैदान, मैदान समझते हो ना जिथे जंग की जाती है उत्थे सब तो पहला अरदास की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। कादे वास्ते? ताकि युद्ध तो ऐसे ही करना है पर जे उहदी कृपा उहदी रहमत नाल होएगी तो जित सानू फिर ही मिलनी है। कहिंदे राम ने भी जदों रावण नाल युद्ध करना सी ना, बेशक श्री राम नूं अवतार किया गया पर उन्होंने भी पहला कहिंदे पूजा की, भगती की, पूजा की कुछ दिन बह के, क्योंकि पता सी कि मेहनत तो मेरी है पर जे उहदी रहमत होएगी तो कामयाबी फिर ही मैनू मिलनी है। इसलिए ये गल क्यों दस रहे हैं कि जीवन च असी कुछ भी हासिल करना है ना तो सानू फिर ही वह फील्ड में कामयाबी मिल सकती है अगर असी वह कर्म करिए जिहदे नाल वह परमात्मा वह प्रभु की कृपा उहदी रहमत साडे नाल नाल रहे। क्योंकि इंसान में एक अहसास होवे मैं कल्ला नहीं हाँ, जे मैं दुकान पर भी बैठा कल्ला हाँ तो वजूदी तौर पर बेशक मैं कल्ला बैठा हाँ पर इत्थे भी मैं कल्ला नहीं है क्योंकि मेरा साथ देने वाला मेरा मालिक उहदी रहमत मेरे। तो जरा सोचो जे ये विश्वास नाल इंसान बैठा होवे तो फिर उन्हें कोई डर हो सकता है, फिर उन्हें कोई चिंता हो सकती है, फिर उन्हें कोई कारोबार की फिक्र हो सकती है, क्योंकि पता है कि मैं कल्ला नहीं, जे वो मेरे नाल है तो रिजक देना, क्योंकि राजक किनू कहा गया है, कहिंदे रोजी देने वाला कौन है। जिदा असीं कई बार इशारा करीदा कि पत्थर अंदर छोटे छोटे कीड़े होंदे है, कई बार पत्थर तोड़े जाते तो निकली कीड़े निकलते हैं, तो हुण जरा सोचो वो कीड़िया उत्थे जिंदगी देने वाला कौन है। हुण कहिंदे बिना रोजी तो जीवन नहीं चलता, तो इहदा मतलब जे कीड़े उत्थे पल रहे हैं तो उत्थे उहनां नूं रिजक मिल रहा है, उहनां नूं हवा मिल रही है, उहनां नूं वो शक्ति मिल रही है जो जीवन वास्ते जरूरी है। तो इन्ने सख्त पत्थर के अंदर अगर एक नन्हे जे नाजुक जे कीड़े नूं जिंदगी दे सकता है तो मैं तो फिर भी वह परमात्मा का बनाया हुआ सब तो शक्तिशाली इंसान, क्योंकि इंसान नूं सब तो शक्तिशाली किया गया है। हुण जे तुहानूं पुछिए कि 84 लाख यूनिया है, किन्नियां यूनिया 84 लाख, तो 84 लाख यूनिया का सरदार कौन है, तो गल किहदी आउंदी है जवाब दे दिओ। कहिंदे ना लाख 84 जून सवाई मानुष को प्रभ, इहदा मतलब 84 लाख यूनिया के सरदार हो तुसीं, या उन्हूं ही यह सरदारी दित्ती जाती है जिहदे अंदर सब तो ज़्यादा क्वालिटी, जिहदे अंदर सब तो ज़्यादा गुण, जिहदे अंदर सब तो ज़्यादा खूबी होवे। ये परमात्मा ने 84 लाख यूनिया बना के तुहानू यानी इंसान नू सरदारी दित्ती है, तो यह मतलब इंसान शक्तिशाली भी सब तो ज़्यादा है
ज्ञानवान भी सब तो ज्यादा है, गुणवान भी सब तो ज्यादा है, और इंसान अंदर क्वालिटी खूबी वो भी सब तो ज्यादा है। हुण अगर वो क्वालिटी वो गुण वो खूबियां साडे अंदर है तो फिर सानू उन्हां खूबियां नू समझ के उहदा लाभ लेना चाहिए है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिर आवांगे उस पॉइंट ते कि जे इंसान इन्नी गल नू समझ लवे, इन्नी गल याद रखे कि मैं इकला नहीं हाँ, मैं सब तो शक्तिशाली, क्योंकि मैनू मेरे रब ने, मेरे प्रभु ने, मेरे भगवान ने मैनू शक्तिशाली पैदा किया है। हुण बस जरूरत तो है कि मैं उस रास्ते ते चलां जिस रास्ते ते चल के उहदी रहमत मेरे नाल हो सके। इसलिए तो एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया, एक शेर दसन लगी हाँ, जरा इहनू अपने दिलों दिमाग च बिठा लिओ कि अगर असी अपनी जिंदगी बदलाव चाहते हैं, अगर असी वह रहमत की मंजिल नू हासिल करना चाहते तो सानू की करना पएगा? कहिंदे कि रहमतों की मंजिल को पाने के लिए, रहमतों की मंजिल को पाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये सब तो पहली गल तो ये सानू याद रखनी चाहिए कि अगर असी परमात्मा की रहमत नू पाना है, उसकी कृपा नू पाना है, तो सानू अपने जीवन च कुछ बदलाव लियाने पैणगे। क्योंकि जैसा जीवन साडा अज है ना, अगर इदा दा जीवन चलता रहेगा तो फिर साढ़े जीवन च कभी उसकी रहमत पूरी तरह नहीं उतरेगी, फिर असी पूरी तरह उसकी ताकत नू कभी समझ ही नहीं पावांगे। जिदा इदा समझ लो एक इंसान बीमार है, उहदा खाण पान, उहदियां खाण पान दियां आदतां गलत है, सही नहीं है, हुण उह तंदुरुस्ती पाना चाहता है तो उहनू अपनियां आदतां नू बदलना पैना है। तो जे बंदा कहे मैं आदत नहीं बदल सकता, मैं अपने आप नू चेंज नहीं कर सकता, तो फिर यदा मतलब भाई जी अपने आप नू चेंज नहीं कर सकता, जिदा की रूटीन तेरी हुण है इसी रूटीन नाल चलना है, तो फिर तेरी हैल्थ भी इस तरह की रहनी जिदा की अज है। हाँ ये हो सकता अगे तो अगे होर ज़्यादा खराब हो सकती है, पर सही नहीं हो सकती। जे मैं खुशी चाहता हाँ, तंदुरुस्ती चाहता हाँ, तो फिर मैनू अज दियां आदतां नू छड़ के कुछ नवीं आदतां अपनानियां पैनियां है, क्योंकि नवीं आदत ही साढ़े आने वाले कल का निर्माण करेगी कि आने वाला कल साडा कैसा होना है। इसलिए इत्थे दसिया है कि रहमतों की मंजिल को पाने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। इसलिए सब तो पहला तो अपने आप नू पुछो कि मैनू उहदी रहमत चाहीदी है, कि मैनू जीवन च खुशी चाहीदी है, कि मैनू जीवन च कामयाबी चाहीदी है। तो जे अंदर जवाब आवे हाँ मैनू कामयाबी चाहीदी है, मैनू उहदी रहमत चाहीदी है, मैनू सफलता चाहीदी है, खुशी चाहीदी है, तो हुण दूजा सवाल अपने आप नू पुछो कि उहदी रहमत नू हासिल करन वास्ते, वह कामयाबी सफलता नू हासिल करन वास्ते मैं किहड़ी कुरबानी दे सकदा? कुरबानी का मतलब समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कामयाबी पाने वास्ते कुछ ना कुछ सैक्रीफाइस तो करना पैंदा है। बिना कुरबानी तो, बिना बुरियां आदतों नू त्याग, क्योंकि त्याग किनू कहिंदे आ? कहिंदे ना ऋषियां मुनियां ने त्याग किया, वह त्याग करन दा मतलब यह नहीं कि घर छड्ड के जंगल नू चले जाओ, त्याग का मतलब यह नहीं परिवार नू छड्ड के रोंदा होया जंगलां चले जाओ, त्याग का मतलब यह है अपने मन दियां बुरियां सोचां दा त्याग करना, अपने जीवन च जिहड़ियां बुरियां आदतां है उन्हां बुरियां आदतां दा त्याग ही असली कह दिओ असली त्याग है। तो जे असी घर छड्ड के जंगल तो चले गए, पर जिहड़ी नफरत नू त्यागना चाहीदा सी, क्रोध नू त्यागना चाहीदा सी, बुरियां आदतां नू त्यागना चाहीदा सी, उह त्यागियां ना। जिद्दां असी कहानी दसी दी है ना कि दो दोस्त सी उन्हां ने बचपन च इकट्ठे खेडना, उन्हां चों एक दोस्त जो सी उन्हूं बड़ा क्रोध आंदा सी, बड़ा गुस्सा आंदा सी, इन्ना क्रोध इन्ना गुस्सा उन्हूं आंदा सी बचपन च ही कि माड़ी माड़ी गल ते उन्हें झगड़ा कर लेना, माड़ी माड़ी गल ते गालियां देनियां, माड़ी माड़ी गल ते किसे दी गर्दन फड़ लेनी। आखिर थोड़ा जिहा जदों बच्चा बड़ा होया, वह समझ लो 16-17 साल की जदों दी उम्र होई, तो दोनों दोस्त बड़े होए, पर एक दिन ऐसा झगड़ा होया गाँव दे विच कि वह गल काफ़ी वध गई, गल इन्नी वध गई कि दूजे मैंबर कहिंदे कि हुण जे हथ आ गए तैनूं मार ही देना है, क्योंकि क्रोध हमेशा गल नूं बिगाड़दा है। हुण जदों ज़्यादा झगड़ा हो गया और गल इत्थे तक वध गई, मरन मराण ते गल पहुँच गई, तो यह दोस्त ने सलाह दित्ती अपने दोस्त नूं जिहड़ा क्रोधी सी। हुण समझ लो आ क्रोधी दोस्त का नाम रामू सी, तां शांत दोस्त का नाम शामू सी,
नाम लै के थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। उन्हें रामू सलाह दी कि भाई तेनों क्रोध बड़ा वो अगले बंदे भी बड़े गर्म है कि तेन जानू ना मार दे कुछ दिनों वास्ते तू चला जा। जिदा कहते ना गल ठंडी हो जाए थोड़े दिनों वास्ते घरों कि गायब हो जा इधर उधर हो जा। हूँ कहते हैं रामू भी समझ आई कि गुस्से ना गल तो काफ़ी बिगड़ चुकी है इसलिए अपने दोस्त की गल मानता हो चला गया। पर कहते ऐसा गया मुड़ के एक साल दो साल तीन साल पाँच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल गुजर गए आए ही नहीं। बड़े परेशान होया शामू भी चंगा गया मुड़ के आए ही नहीं कोई खबर भी है नहीं। अजकल तो मोबाइल है उस वेले मोबाइल भी नहीं होंगे सी। सो शामू बड़ा परेशान कि चंगा दोस्त नूं भेजा कि कुछ पंद्रह बीह दिन वास्ते हो जा हूँ तो बीस साल हो गए पता नहीं गया कित्थे है। आखिर एक दिन ये शामू अपने गाँव तो किसी दूसरे गाँव अपने किसी काम के संबंध नाल गया जो तो उत्थे पहुँचया तो उत्थे खबर चली कि ले बई इस नगर के अंदर एक साधुआ की मंडली है और उहदे विच एक साधु है शांतिनाथ जी। किहड़े साधु है शांतिनाथ जी कि जिन्होंने बड़ा तप किया है उन्होंने दर्शन करन नाल ही बंदे नूं कामना पूरी हो जाती है। शामू ने कहा चलो इस भी देख लीए जाके ये शांतिनाथ जी जिहड़े साधु है। हुण जदों कहिंदे शामू गया सामने देखिया हैं ये तो 20 साल पहला गया मेरा दोस्त रामू है दाढ़ी बधा ली है भेष साधुआं वाला है भगवा कपड़ा पा लिया है जिदा कि साधुओं का भेष हुंदा है कोल कमंडल है हाथ से माला फड़ी हुई है लागे दो बैठे हुए है सेवक उन्होंने तो संगत आके दर्शन कर रही है। तो रामू शामू ने कहा ये तो मेरा दोस्त रामू है किन्ने साल तुम्हें इंतजार कर रहा सी अज 20 साल बाद साधुओं के भेष मिले। हूँ कहते शामू खुशी नाल गया क्योंकि जिगरी दोस्त से बड़ा प्यार से इन्हों बचपन तो लैके 18 साल की उम्र तक प्यार से पर हूँ 38-39 साल की उम्र हो गई यानी 20 साल बाद देख रहा मैं इनू बड़े दिल में खुशी हुई दौड़ के अगे जान लगा तो इधर रामू ने भी पहचान लिया मेरा दोस्त शामू आ रहा है पर उन्हें देख के आन देखा करके अखा फेर लिया। इदा वो रामू कहता कमाल की गल है शामू कहता मैं तो सोचा से इन खुशी होएगी उठ के मैं गले लगाएगा कि बचपन के दोस्त है सी पर इसने अखा ही फेर लिया। हूँ जरा गल समझने वाली है तो हूँ शामू नूं पता सी इहनूं गल गल ते क्रोध आंदा है तो उस वेले शामू ने समझ लिया कि अखां फेरियां चलो इहदा मतलब इत्थे चाहुंदा नहीं कि मैं इहनूं पहचाना या ये मैनूं पहचाने। कहिंदे शामू गया कोल जाके हाथ जोड़ के कहण लगा होर महाराज की हाल चाल है तुहाडा। तो उस वेले शांतिनाथ बने रामू ने कहा जी बहुत वधिया सब ठीक है अपना सुनाओ। कहिंदा जी असीं भी ठीक हाँ बस मारी मैं एक जरूरी गल करनी सी तुहाडे नाल क्योंकि इत्थे शामू चैक करना चाहता सी कि मेरे रामू दोस्त ने भेष तो साधुआं वाला बना लिया अंदर हाले नाम तो शांतिनाथ रख लिया अंदर शांति आई कि नहीं चैक भी तो करना ही होंगे ना क्योंकि दोस्तों को पता होंगे एक बार देख लीए जमा के नाम ही शांतिनाथ है। जिदा ही कई बार दसी नाम तो होंगे शेर सिंह डरते चूहे तो या कुत्ते तो नाम तो होंगे है बंदा बहादुर सिंह पर डरी छोटी छोटी चीज़ों तो जाना कि मैं अंधेरे कमरे च नहीं जाना क्योंकि उत्थे भूत है। सो कई बार नाम कुछ होर हुंदा पर अंदरले हालात कुछ। सो उस वेले शामू दे मन च ऐ चैक करा बचपन च बड़ा यह क्रोध करता सी हुण देखा वाकई ये शांतिनाथ ही है या हाले भी रामू ही है। हुण कहिंदे है जाके शामू ने कहा कि महाराज बड़ी दूरों आया हाँ मैनूं थोड़ी जी अग मिल सकती अग की कहा मंगिया की मंगिया भला अग। तो उसले शांतिनाथ जी कहन लगे बेटा देखो तुहानू लगता इत्थे कितें आपां धूणा बाले है असीं कहिंदे इत्थे धूणा बाल के बैठे जिहड़ा तुहानू अग दे दईए अग चाहीदी है बच्चा उत्थों लो जाके जिथे अग बलदी होवे इसलिए बह जाओ आराम नाल इत्थे अग है नहीं क्योंकि उद्दे ही बैठे जी कोई धूणा नहीं लाया होया सी। हुण फिर थोड़ी देर बाद शामू उठिया और फिर कहन लगा महाराज जरूरी गल है बहुत जरूरी है। वह कहिंदे हुण की गल है कहिंदे जी थोड़ी अग दे दिओ थोड़ी अग चाहिए है। तो हूँ फिर शांतिनाथ जी ने किया वो कहते बेटा एक बार कहता ना इतने अग उग है नहीं इतने अग है नहीं ऐसी कोई अग नहीं बाली हुई चल जाके आराम ना बह जा। शामू ने देखा यदा मतलब अंदर ना क्रोध आ रहा है क्योंकि बाणी तो पता लग जाता है समझते हो कि नहीं बाणी तो पता लग जाता है कि बंदे के अंदर की चल रहा है इसलिए उन्हें क्या लगता असर हो रहा है बस थोड़ी जी फूक मारन की होर ढेर है। कहते तीसरी बार फिर उठिया फिर उठ के शामू आया कहता महाराज
कर दिओ कृपा, अग चाहिए थोड़ी जी, दे दिओ अग। कहिंदे चक्किया चमटा, उन्होंने कहिंदे दई अग तैनू, किन्नी वार किया इत्थे अग है नहीं। कहिंदा मारे क्यों झूठ बोलदे, अग है नहीं, देखो तुहाडे अंदर तां भांबड़ मचिया होया है, अंदर इन्ना भांबड़ मचिया होया, कहिंदे अग है नहीं, आही तां अग। तां उस वेले शामू ने जांदे जांदे गल कही कि मित्र रामू, नाम जरूर रामू तो शांतिनाथ हो गया, बाहरों भेष जरूर बदल लिया, पर भांबड़ हाले भी अंदर मचिया होया है। सो दसना की चाहते, असली त्याग ये नहीं है कि तुम भेष कि बना लेंगे हो या अपना घर छड़ के जंगलों चले जा, असली त्याग ये है जो तो तुम अपने मन को बदल लेंगे हो, अपनी बुरिया आदतों का त्याग करना, अपने बुरे कर्मों का त्याग करना। अगर मैनू जिदा बंदा कहिंदा ना, मैनूं निंदिया की आदत है पर मैं निंदिया नूं त्यागिया, मैनू क्रोध करन की आदत है मैं क्रोध नूं त्यागिया, मैनू बुरा कर्म करन की आदत है किसी नशे की आदत है मैनू त्यागिया, जदों इह त्याग करदी आ ते इही सच्चा त्याग है जिहदे नाल साडे जीवन च बदलाव आंदा और परमात्मा की प्राप्ति सानू हुंदी है। पर जे अंदर साडे उही कचरा है तां बाहरों असीं भेष जो मर्जी बनाई जाइए, उहदे नाल परमात्मा की कोई प्राप्ति नहीं होनी, उहदे नाल कोई उहदी रहमत नहीं मिलनी। इसलिए इत्थे यही गल दसी गई है कि रब की रहमतों को पाने के लिए अपनी आदतों को बदलना होगा, ये बदलना ही पैना सानू अपनी बुरी आदतों को, जिहड़ी सानू शक करन दी आदत है, बहम करन दी आदत है, डरन दी आदत है, माड़ी माड़ी गल ते चिंता करन दी आदत है कि हाले गल होई भी नहीं हुंदी, बंदा पहले ही सोच सोच के दुखी हुंदा रहिंदा की बनेगा की होएगा, ये इदां दी आदतों नू सानू छड्डना पैना है। विश्वास की आदत अपने अंदर लियानी पैनी है, अपने अंदर भरोसे की आदत पैदा करनी पैनी है, यकीन की आदत पैदा करनी पैनी है, क्योंकि विश्वास ये भरोसा यकीन ही सानू खुशियां तक लैके जाता है। सानू बुरी आदत का त्याग करके अच्छाई की आदत अपने अंदर लियानी पैनी, जिदा समझो कि बंदे नू निंदिया करन की आदत है, निंदिया समझते हो ना तुसी, किसी ने एवं निंदी जाना बुरा बोली जाना, ये निंदिया की आदत छड्ड के सानू सिमरन की आदत करनी चाहिए, यानी बदलाव लियाओ अपनी आदतों के अंदर कि निंदिया करना बंद, अपने मालिक का नाम लेना शुरू, क्योंकि उठते बैठते बंदे जुबान ते रब का नाम होवे। असी कई बार दसीदा है कि जो असी शब्द बोलते हैं ना, इन्हां शब्दों का भी साडे जीवन ते असर होके रहिंदा है, तां ही असी कई बार दसदे किसी नूं गधा कह दिओ तां उहदा असर कुछ होर हुंदा है, हुंदा कि नहीं, समझदे हो कि नहीं, जवाब दिओ। जिहड़ा कहिंदा नहीं हुंदा ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉੱਲੂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਈਏ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਆਦਤੋਂ ਕੋ ਬਦਲਨਾ ਹੋਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ ਉਸ ਰਾਹ ਪਰ ਚਲਣਾ ਹੋਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਫਕਾਰ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਸਥ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ
डॉक्टर को जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा नशा बड़ा करता है, शराब बहुत पींदा है, समझते हो कि नहीं। शाम का टाइम डॉक्टर नूं जाके कहे मेरा बच्चा शराब बहुत पींदा है, नशा बहुत करता है, डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दो। तो डॉक्टर कहे ठहर ला यार, मैं दो पैग पी के आया, थोड़ा नशा उतर आते फिर दवाई लिख के दिता, तो वह दवाई का असर हो जाएगा। भाई डॉक्टर साहब तुम ये नशा छुड़ाते हो, पहला अपना तो ला लो, पहला तुम तो कोई इदा की दवाई खाओ कि थोड़ी जी आदत है, जो तू ही दो पैग ला रहे हो तो तू दूजे पैग की छुड़ाने हैं। बल्कि तू तो दूजे को कहना भाई कला ना लाया कर, जो लानी मेरे को आके ला लिया कल क्लीनिक के, ताकि मेरा भी काम बन जाए तेरा भी बन जाए, क्योंकि जिन्हें पीनी है उन्हें तो अपना फायदा देखना है। सो दसना की चाहते हैं कि जेडे आप ही उलझे हुए है वह तुहानू कदी सुलझा नहीं सकते, जेडे आप ही फसे हुए वह तुहानू कदी कढ़ सकते हैं। इसलिए जे अच्छी सेहत चाहिए है तो फिर सानू सलाह भी उन्होंने को लेनी चाहिए जेडे खुद अच्छी सेहत लैके बैठे है, फिट है। अगर सानू वो रब की रहमत चाहिए है, जीवन खुशियां चाहिए, तो असी कला भी उन्होंने को सीख सकते जे आप खुश रहते हैं, समझते हो। इसलिए तुम खुशी चाहते हो कि नहीं, तो सब तो पहला तो एक गल याद रखना, एक गल इतने बड़ी समझने वाली है कि असी देखिए कि छोटा जहा बच्चा ना, छोटा जहा बच्चा, वो छोटी जी वीडियो है, वह बच्चे की देखिया कि स्कूल की वीडियो है, वह बच्चा थोड़ा गरीब है, वह बच्चा गरीब है, तो वीडियो किदा बनाई है कि जो लागे लागे बच्चे बैठे है, किसी के टिफिन सैंडविच है, सैंडविच समझते ना तुम, ब्रैड है, किसी के टिफिन कोई होर बढ़िया चीज़ है, पर वो टिफिन के सिर्फ एक रोटी है, वो भी अचार दे नाल, कादे नाल, गरीब है बेचारा, वो भी रोटी है अचार दे नाल, पर देखिया बाकी बच्चे जिथे ना वो रोटी खा रहे हैं, तो वह बच्चा हस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्यों? उन्हें डब्बे का ढक्कन खोलिया और ढक्कन में अपना मुँह देख के मुँह उल्टा सीधा बना के कभी ऐं करता, कभी ऐं करता, कभी अखा ऐं करता, कभी ऐं करता, हसी जाता है। देख के बड़ा दिल नूं खुशी हुई, कारण की है कि देखो जिन्हें खुश रहना होवे ना वो अचार खा के भी खुश रह सकता है, तो जिन्हें दुखी होना होवे उहदे मूहरे 36 प्रकार के पकवान रख दो, उन्हें खुशी का बहाना लभ लिया। जिदा हुण बंदा कहिंदा मैं आह देख रहा जी मैनूं अपना फेस दिखदा है, फेस दिखदा तो मैं हुण अपने फेस नूं बनाई जावां उल्टा सीधा, कभी ऐं करां, कभी ऐं करां, कभी मूँह उपर नूं कर लवां, कभी थल्ले, और देख देख के आप ही हसी जावां, समझदे हो कि नहीं। हुण इस तरह जिन्हें खुश होना होवे वो माड़ियां माड़ियां गल्लां ते भी समझदे हो, तो जिन्हें दुखी होना होवे उहदे कोल सब कुछ होवे, गड्डी भी खड़ी होवे तां वी होए होए गड्डी तो है पर वह गुआंढियां को वधिया गड्डी है, मेरे को घटिया है, वधिया मॉडल चाहिए मैनू, समझदे हो। हुण जिन्हें दुखी होना होवे वह माड़ियां माड़ियां चीज़ां नूं लै के भी दुखी, तो जिन्हें खुश होना होवे वह इन्ने च बहुत खुश हुंदा है। हुण खुशी दा एक जरा गल समझ लैणी, हुण एक गल दा सानू जवाब देना, एक छोटी जी कहानी सिर्फ तुहाडे ना जवाब वास्ते दसण लगे आ, तुहानू जवाब तुसीं देना है, तैयार हो। हुण एक बच्चा हॉस्पिटल दे विच एक माँ नूं जो कि प्रैगनेंट है और बच्चे का वर्थ जन्म होने वाला है, हुण बच्चे नूं लै के ऑपरेशन थिएटर अंदर डॉक्टर जाते हैं कि बच्चे की पैदाइश होने वाली, टाइम आ गया, टाइम आ गया। हुण जदों बच्चा जन्म लैंदा है तो जन्म लैन तो बाद डॉक्टर रोनी जी सूरत बना के आता है कि बड़े दुख की गल है, बड़े की कहते हैं दुख की गल है। हुण जदों दुख की गल किया तो परिवार के चेहरे पर की आया होएगा, कादी दुख की गल है, की होया होएगा, जवाब दे दिओ कि डॉक्टर दुखी कदों हुंदा है, कदों आके कहता है बड़े दुख की गल है, जदों बच्चा, जवाब दे दिओ, डैथ हो जाए, बच्चे की मौत हो जाए, तो डॉक्टर कहिंदा बड़े दुख की गल है, बच्चे ने साह नहीं लिया तो बच्चा मर गया, बड़े दुख की गल है, समझना। हुण दूजे पास एक माँ नूं हॉस्पिटल लैके जाते हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन थिएटर में लैके जाते हैं, वो भी ऑपरेशन होता है, पर डॉक्टर खुशी ना आता, मुबारक बधाइया, बहुत बहुत बधाइया, बहुत बहुत मुबारक, हुण मुबारक कदों दित्तियां जांदियां, बधाइया बई, खुशखबरी, खुशखबरी कदों दित्ती जाती, जवाब तो दे दिओ, बच्चा स्वस्थ है, बच्चे ने साह लै रहा है, तंदुरुस्त है, इहदा मतलब समझो दुख की गल है, बच्चे ने साह नहीं लिया, समझदे हो कि नहीं, खुशी की गल है, मुबारकबाद, बच्चे ने साह
ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ एक डॉक्टर भी बधाइया दिंदा मुबारका दिंदा जदों बच्चा सह लैंदा है इहदा मतलब साह नाल ही साडी जिंदगी दी शुरुआत है मुबारक है इसलिए सानू तां हर साह नाल अपने आप नूं मुबारका देनियां चाहीदियां मुबारका आ गया मुबारका साह आ गया और बड़े दुख की गल है जी उन्हें साह ही नहीं लिया इसलिए दुख की गल की है जदों साह पर बंदा किहनूं कहिंदा ओ दुख की गल है मेरे 100 रुपया गुआच गया वो दुख की गल है मेरा सोना गुआच गया वो दुख की गल है गड्डी का टायर फट गया वो ये दुख दी गल्लां नहीं है ये जिंदगी के रस्ते जाने वाली माड़िया माड़िया चीज़ा आ इनू दुख ना बनाओ असली दुख की गल तो उदो होनी जो सह रुक जाने सह आ रहे हैं तो सब तो बड़ी नेमत है तुहाडे कोल सब तो बड़ी मुबारकबाद है तुहाडे कोल सब तो बड़ी खुशी है तुहाडे कोल कि मेरे सह चल रहे हैं इहदा कदी शुक्र नहीं किया हालांकि जिंदगी शुरू ही इतों होंगी है जरा सोचो जे पहले दिन जो माँ के गर्भ चो पैदा होए जे साई ना आया हों तुम कितने होना सोच के देखो यदा मतलब सब तो खुशी की गल की है कि साढ़े सुहास पर कभी यदि खुशी मनाई है इसलिए अपने आप खुश हो के कहो शुक्र है साह चल रहा है कर दौ एक बार शुकराना उदा तो करना ही साढ़े कहते कर दौ कह दो मैं बहुत खुश हाँ मेरे सुहास मैं बहुत पूरा बोलो पूरा मैं बहुत खुश हाँ मेरे सुहास चल रहे यदा बोलो बोलो तो देखो अंदर की फील होंदा है कोई रह गया दुख कोई रह गई कमी और नहीं असी तो कहें मेरी खुशी है जी वो कम होना चाहिए फिर मैं खुश हाँ वो हो भी जाए फिर तुहानू होना जी ये हो गया वो हो मैं खुश समझते हो कि नहीं यानी ये दसना की चाहते कि तस्वीर बनाई जाए ना कि इत्थे एक बंदा है और एक बंदा यानी एको ही बंदा है वह मूँह इत्थे है और इत्थे है हुण कवे मैं खुश उदों होना है जदों मैनूं आ मंजिल मिलेगी इसलिए इत्थों सफ़र करके उदासी नाल इत्थे जांदा है फिर वो चीज़ मिलदी मड़िया खुश हुंदा है समझदे हो कि नहीं पर एक दूजा बंदा है वो कहिंदा आ मेरी मंजिल है पर मैं हर साल नाल खुश होना है वो इत्थों खुश हुंदा ही जाएगा हाल है मैं खुश ही हाँ क्योंकि मैं हर साल नाल ही खुशी वो मंजिल जदों मिलनी उदों खुश होना ही है पर हुण मेरे साह चल रहे हैं भी कोई घट खुशी की गल है मैं तो हुण भी आनंद लेना है हस के दिखाओ फिर जरा अच्छा केड़ा केड़ा खुश है कि वो साह चलते हैं सारे खुश है ना इदा नहीं हाथ नहीं चकना हस के दिखाना है कि मैं खुश हाँ मेरे सुहास मैं खुश है मेरे साह चल रहे हैं वो ये सब तो बड़ा खजाना सब तो बड़ी नेमत है होर मैनू की चाहिए है और कहिंदे ना सुहासा की माला नाल सिमरा मैं और जो ये इन्ने कीमती सुहासा के धागे च मैं अपने मालिक के नाम के मोती परो देव तो फिर इस तो ज़्यादा कीमत होर किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती इस तो ज़्यादा कीमत कौन चीज़ की है सब तो ज़्यादा कीमती यही है तुहाडे सुहास बस ये सुहासा के धागे च नाम के मोती परो दिओ यानी हर सुहास नाल उहनूं याद करो कि मेरा मालिक मेरे हाँ जिन्होंने नाम की दात ली है शब्द की दात ली उन्होंने पता कि सह नाल सिमरन करना है उस तरह सिमरन करो तो जे नहीं नाम के नाल जुड़े तो उदां ही मालिक का नाम ले जाओ परमात्मा नूं याद करी जाओ पर कोई भी सह व्यर्थ ना जाए हर सह नाल फिर तुहानूं फील होएगा ये खुशी फिर कमांगे खुशी कोई इदा नहीं कि उत्थे जाके मिलनी है जिन्हें खुश रहना होवे हर पल वो खुश रहिंदा है फिर वो पूरी जिंदगी खुशी ना गुजरती है ये याद रखना हमेशा इसलिए रहमत की मंजिल को पाने के लिए जिदा दसिया असी इत्थे कि रब की रहमत की मंजिल अगर पाना है तो फिर अपनी आदतों को बदलना होगा रब की रहमत को पाने के लिए अपनी आदतों को बदलना होगा जिस राह पर मुर्शद लेकर जाए उस राह पर हमको चलना होगा कि अगर असी वो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो जेड़े रास्ते साडा सतगुरु साडा मुर्शद जिन्हें उस मंजिल नूं पाया है जिहड़ा उस आनंद में बैठा है अगर उस आनंद तक असी पहुंचना है तो फिर किसी जीव ने सानू सवाल किया कहिंदा मालको तुसी हर वेले समाइल करते रहते हसते रहते हो कभी तुहानू भी कोई परेशानी होंदी है टेंशन होंदी है अही क्या नहीं हूँ असं उस आनंद की मंजिल तक पहुँच चुके हाँ कि हूँ टेंशन साढ़े तो इदी दौड़ती है जिदा सूरज को देख के अंधेरा दौड़ता है हूँ तो यही खुशी रही हर वेले क्योंकि जो अंदरली अवस्था साड़ी आनंद वाली हो जाती है तो बाहरली चीज़ों का प्रभाव प
ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦਾ ਛਾਂ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਹਿਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਬਦਲੋ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਨਕੀ ਸੋਚ ਜਿਨਕੀ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਜਿਨਕੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੋਹੀ ਹਾਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੀਤ ਤਾਂ ਵੋਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ ਨਾ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਜਿਨਕੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੋ ਹਾਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੀਤ ਤਾਂ ਵੋਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੇ ਬੀਚ ਕੋਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤੇ ਔਰ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬੀਚ ਮੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੇਟ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੋਣਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਗੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਅਗਰ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੋਸ਼ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ
कामयाबी की मंजिल पानी है, तंदुरुस्ती की मंजिल पानी है। तो तंदुरुस्त होने वास्ते सब तो पहला शांत रहा करो, क्योंकि जिन्ना क्रोध करते हैं जिनी चिंता करते उन्नी बीमारियां भी। चिंता करना की होंगे, मुश्किल का हल हों वही है। तो फिर ये भी आदत छड़ीए, असी मैनू शां मैनू खुशी चाहिए है ना, तो चिंता करन की बजाय चिंतन करा कि मेरे सारे दुख दूर हो गए, क्योंकि दुखा नू दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे। ये सोच जी है ना, या बंदा कवे कि मैनू कामयाबी मिल रही है क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे जीवन च खुशियां आ रही है क्योंकि खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे। हर दिन मैं होर स्वस्थ हो रहा हाँ क्योंकि मैनू स्वस्थ करने वाला मेरा मालिक मेरे। हुण देखो अच्छी सोच, ये सोच सानू खुशियां कामयाबी सफलता वाल लैके जाती है। तो जे बंदा ही सोची जाए मैं नहीं ठीक होना, आ मेरा काम नहीं हो सकता क्योंकि काम ही बड़ा इदा का है, या मैं ठीक होना ही नहीं क्योंकि बीमारी बड़ी बुरी है, खतरनाक है, तो फिर ऐसी तंदुरुस्ती और अपने दरम्यान किनू खड़ा कर रहे हैं? कोई होर नहीं, साड़ी सोच खड़ी है। इस करके अपनी सोच पॉजिटिव रखांगे, विश्वास वाली रखांगे तो सानू मंजिल तक लै जाएगी। तो जे अपनी सोच ही बुरी रखांगे, नैगेटिव रखांगे, तो फिर ये साड़ी सोच नहीं साड़ी ब्रेक, समझदे हो कि नहीं? जिदा कहते ना गड्डी च हैंड ब्रेक होंदी है, उन्हूं खिंच दिओ तो गड्डी उत्थे रुक जाती है। इसी तरह बंदे अंदर हैड ब्रेक होंदी है, अपने दिमाग अंदर बंदा ब्रेका ला लैंदा तो बंदे दे जीवन की गड्डी अगे, क्योंकि हैड यानी आ सिर, ये अंदर ही मन, ये साड़ी सोच चलती है मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, वो इदा दी ब्रेक लग जाती है कि इंसान कभी अगे वध ही नहीं पाता। इसलिए जे अगे वधना है तो आओ ये हैंड ब्रेक लाइए, यानी नैगेटिव गल्लां नैगेटिव थॉट बुरियां सोचां नूं त्यागीए छड़िए और अपने मालिक ते विश्वास करना शुरू करिए। जे बंदा कहे आ नहीं हो सकता, वह क्यों नहीं हो सकता? जे मेरा रब मैनू बना सकता है तो मेरी मुश्किलों हल क्यों नहीं कर सकता? कोई छोटी गल है जरा सोचो। हुण कोई कहे ना लै आ तेरी परेशानी नहीं दूर हो सकती, बंदा सोचे वो मैं बड़ा या मेरी परेशानी बड़ी है, क्योंकि परेशानी तो मेरे अंदर ही है ना। हुण बंदा कहे गिलास च पानी है तो गिलास बड़ा है पानी बड़ा है, यानी वो अंदर है, यदा मतलब वो तो छोटा ही है ता ही वो अंदर गया है। हुण असी उसे नूं पकड़ सकते जिहड़ी चीज़ छोटी होवे साडे तो, समझदे हो कि नहीं? हुण दसना की चाहते, अगर कोई परेशानी है तो यदा मतलब मेरा जीवन बड़ा है, परेशानी छोटी है, मेरा जीवन बड़ा है दर्द। अच्छा फर्ज करो सिर दर्द है, बंदा तो बहुत ज़्यादा दर्द है, वो किन्ना का दर्द है? एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा? तो जरा सोच, जो तेरा जीवन 70 साल का, तो 70 साल के जो दो दिन सिर दर्द होंगी तो ये 2 दिन बड़े है जो 70 साल बड़े है? समझने वाली गल है थोड़ी जी। यदा मतलब की है कि जिहड़ा रब मैनू एडा वड्डा जीवन दे सकता है, जिंदगी दे सकता है, तो यह दर्द तो है ही बड़ी, ये मुश्किल तो है ही बड़ी, यदा हल भी वह करेगा, क्योंकि जो माँ के गर्भ च मैनू बना सकता मेरी मुश्किलों का हल भी कर सकता है। वो वास्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस लोड़ है मैनू अपने मालिक से यकीन करन दी, भरोसा करन दी, विश्वास करन दी। इसलिए अज तो तुसी भी अपने अंदर विश्वास पैदा करो, डर छड्डो, चिंतावां छड्डो, ये डर के चिंता करके हाय हाय करके तुहाडे जीवन खुशियां नहीं आनियां, बल्कि जिहड़ियां माड़ियां मोटियां खुशियां ये भी नष्ट हो जाणियां है। खुशियां उन्हां दे जीवन च आउंदियां जिहड़े विश्वास नाल कदम वधांदे है, भरोसा रखदे अपने मालिक ते। इसलिए अज तो अपने अंदर विश्वास का चिराग जगाओ। किहड़ा चिराग जगाना है? विश्वास का, भरोसे का, यकीन का कि मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों नू दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी की सफलता के शिखर तक लैके जाने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखना है, रखोगे कि नहीं? चलो फिर आओ आखरले बचन जो हम कह दिए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बस विश्वास ना किया ना,
और संभाल के रखना है इनू, क्योंकि रहमत खुशी तंदुरुस्ती वो घर से सब कुछ ही है, बस संभालनी इंसान नू पैंदी है। इसलिए बस विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो कि हर कदम ते मेरा मालिक मेरे, जिदा दसीदा जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की। इसलिए सारे डर छड्डो, सारिया चिंतावां छड्डो, भरोसा रखो कि हर कदम ते मेरा मालिक मेरे नाल है। मैं क्यों फिक्र करा जब मैनू संभालन वाला वो मेरा मालिक बैठा है। समझदे हो कि नहीं? उन्हूं किन्नी फिक्र है तुहाडी, आप सोचा करो कि उन्हूं पता है कि इन्ने टाइम तो सूरज चाहीदा है तो निकलता कि नहीं, हवावां चाहीदियां वगदियां कि नहीं, तुहानूं कुछ करना पैंदा है। धरती जो पानी चाहिदा है, अन्न फल किन्ना कुछ धरती जो उगदा उन्हूं फिक्र है, वह सब कुछ आप ही करी जा रहा है। हाँ मेहनत सानू करनी पैंदी है पर रहमत उहदी ही। इस करके बस तुसीं मेहनत ते जोर दिओ, बाकी रहमत उन्हें करी जानी है, क्योंकि जे फल प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पैंदी है। इसी तरह उहदी रहमत प्राप्त करनी है तो उहदे वास्ते मेहनत। तां ही कहिंदे सेवा करो, सिमरन करो, दान पुन करो, कोई नेकी दे कर्म करो, अच्छाई दे कर्म करो, नेक मार्ग ते चलिए, अच्छियां आदतां बनाइए, तो फिर उहदी रहमत भी साडे ते हुंदी चली जांदी है। इसलिए बस अपने अंदर प्यार विश्वास बना के रखो, नेकी दे मार्ग ते चलो, तो आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता लैके आएगा। और हुण इन्हां बचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और जिस तरह अज प्रोग्रामां बारे दस्सिया कि जो वीरवार आ रहा है उस दिन 11वीं रोज़ है नवंबर महीने का, सो कोशिश करो कि 11वीं रोज़ ते दरबार ते जरूर पहुँचो, क्योंकि रहमता का दिन हुंदा है, यह खुशियां का दिन हुंदा है। और जो इंसान वक्त कट के मालिक के घर जाता तो बहुत कुछ लैके जाता है। और फिर अगले महीने सालाना मेला दस्सिया कि नहीं, तुहानूं याद है किन्नी तरीक का है? 17 तरीक दिन ऐतवार निशान साहब की चढ़ाई है, सालाना मेला है। जिस तरह अज पहुँचे उस दिन भी आओ और हुमा के आप भी आना, सज्जना मित्र रिश्तेदारों ने भी लैके आना है, क्योंकि उस दिन पूरा पूरा आनंद असी लेना है। और फिर कहांगे कि जो दिन त्यौहार होंगे संगत के सहयोग नाल ही होंगे है, इसलिए जिन्ना भी हो सके ये प्रोग्राम सहयोग पाओ ताकि उस प्रोग्राम को धूमधाम नाल मनाया जाए। और तुहाडा भी अगर ये नेकी विच योगदान पाएगा तो मालिक तुहानूं भी बरकतां देणगे, तंदुरुस्ती देणगे, खुशियां देणगे। और यही हुण आखरले वचना च असीं मालिक दे चरणां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं तंदुरुस्ती देण, तुहाडे सब दे दुखां दर्दां परेशानियां नूं दूर करन, तुहाडी सब दी चोली खुशियां नाल भरपूर करन, आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानूं तरक्की देण, और हर तकलीफ हर दुख तों मालिक तुहानूं बचा के रखन। तुहाडे दिलों के सच्चा प्यार सच्चा विश्वास उस मालिक का पैदा हो जाए ताकि तुसी उहदियां रहमतां हासिल करके अपने जीवन का पूरा आनंद लै सको। और मालिक अपनी कृपा दया दृष्टि हमेशा तुहाडे ते बनाए रखन, यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।